अस्सलाम वालेकुम जी वर्स मैं तुम्हारे पांजो दोस्त ज़हीर चनो तुम्हारे पांजे पसंदीदा प्रोग्राम सिंदरंग सा गड़ इन वक्त में मौजूद आया रोशनी जे शहर कराची में जिन नाज़रीन 14 अगस्त थी रो है हर तरफ खुशी जो माहौल है हर तरफ जोर ए शोर से इतना जहाँ जो रवासी वो इंजॉय कर रहा है छो न असो जो अजोको प्रोग्राम आ 14 अगस्त के हवा से उन दोस्तों का कुछ राय वटूँ तो वे 14 अगस्त कि मल्हा रहा है सैयद नुमान अली। सैयद नुमान अली भाई, हमने आपको देखा कि आप बाइकों पे बहुत चला रहे थे, बहुत माशाल्लाह क्राउड बहुत मतलब एंजॉय कर रहे थे, तो आप कितना खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये हमारे मुल्क आज़ाद होने का दिन है, इंडिपेंडेंस दिन है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत इंजॉय भी कर रहा हूँ, तफरी भी कर रहा हूँ और इस वक्त को बहुत खुशी से महसूस भी कर रहा हूँ। क्यों मनाते हैं 14 अगस्त? इतना खुश क्यों होते हैं? ये इस वजह से मनाते हैं क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों ने इसको अपनी कुर्बानी देके आज़ाद करवाया, बहुत मेहनत मुशक्क़त से इसको आज़ाद करवाया है और इस मुल्क की हमें कदर करनी चाहिए और इसको हमें मिलजुल कर साथ चलना चाहिए। आज कहाँ कहाँ का प्रोग्राम है आज 14 अगस्त? जाहिर सी बात है आप बहुत इंजॉय करेंगे, कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम है? इंशाल्लाह वैसे तो हमारा कायदे आदम के मज़ार पे जाके उनको सलामी देने का, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी शख्सियत है, उनको सलाम करना लाजमी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए और उनके अकवाल पे चलना चाहिए हमारे सियासतदानों को, ताकि इस मुल्क को हम आगे तक ले जा सकें और तरक्की से तरक्की तक इस मुल्क को आज़ाद कर सकें हम लोग। आज 14 अगस्त है, बहुत लोग जोर और शोर से खुशियां मना रहे हैं, आप बताएं कि आपने कितना एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है इस दिन और बहुत बड़ा दिन है ये हमारा और हमें जाना चाहिए घूमने के लिए हर जगह पे, जैसे कायदे आज़म की मज़ार पे जाना चाहिए, मीनार पाकिस्तान पे जाना चाहिए, बाकी जगहों पे घूमना चाहिए। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इसलिए। तो ये दिन कहाँ कहाँ आप जाते हैं, मतलब फैमिली के साथ इन्जॉय करते हैं? जैसे ज़्यादा इन्जॉय हम कायदे आज़म की मज़ार पर करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत मज़ा है। एक तो कायदे आज़म इतनी बड़ी मज़ार है, वहाँ खेलना कूदना अपना इन्जॉय करना। फैमिली फ्रेंड्स ज़्यादा आते होंगे आज बहुत जगहों पे, जाहिर सी बात है घूमने, सी व्यू जैसे हो गया, कायदे आज़म की मज़ार हो गई, वहाँ पे तो जाना होगा जाहिर सी बात है। जी ज़रूर वहीं से जाना होगा। तो हम ये 14 अगस्त क्यों इतना जोश और खरोश से मनाते हैं? इस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है और बहुत बड़ा दिन है ये हमारा, हमें ऐसी खुशियाँ मनानी चाहिए। अच्छा, आप खुश हैं 14 अगस्त के बारे में? बहुत ज़्यादा। क्या क्या खरीदा है आपने, कितना इन्जॉय किया है? बहुत खुश खरीदा है 14 अगस्त के हवाले से, कपड़े जूते वगैरह, और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आज मतलब कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे? आज तो फिलहाल यहाँ पे आए हैं फंक्शन में, फिर कल दूसरी जगह जाएंगे कायदे आज़म के मज़ार वगैरह पे। अच्छा माशाल्लाह, यानी बहुत खुश है ना? जी बहुत। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से? कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और हमें जोश और खरोश के साथ 14 अगस्त मनाना चाहिए। जी नाम क्या? मेरा निसार, शेख निसार। माशाल्लाह आप अपनी गाड़ी को बहुत संवार रहे हैं, इतनी खुशी? बहुत ज़्यादा खुशी है बिकॉज हमारी पहचान पाकिस्तान है और ये हमारे आज़ादी का दिन है। दुनिया जमाने को मालूम हो जाए कि हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें अपनी सेलिब्रेशन कैसे करती हैं, सेलिब्रेट आज़ादी को कैसे सेलिब्रेट करती हैं। कितना खुश हैं, कितना एक्साइटेड हैं आज के दिन? बहुत ज़्यादा खुश और सदा पाकिस्तान को आज़ाद रखें, कभी इस पर आँच ना आए और सदा हमेशा आज़ाद रखे और आज़ादी की हमेशा अपनी हमारी पहचान हमारी पाकिस्तान हमारी आज़ादी है। कोई मैसेज देना चाहें? पाकिस्तान की जितनी ज़्यादा हो सके पाकिस्तान जिंदाबाद और जितना ज़्यादा हो सके पाकिस्तानी चीज़ें लें, पाकिस्तानी के हमेशा पाकिस्तान की बात करें, दूसरे कोई बात ना करें, हमारी पहचान पाकिस्तान है। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम क्या? मेरा नाम है जुहेब। अच्छा जुहेब, आज कहाँ कहाँ गए थे आज 14 अगस्त? इतना आज सबसे पहले बाबा कायद के मज़ार पे गए थे, कायदे आज़म के मज़ार पे हाज़िरी दी, वहाँ पे फूलों की चादर चढ़ाई क्योंकि उन्होंने हमें ये पाकिस्तान दिया
हमारे शहीदों ने हमें पाकिस्तान दिया। हमारे शहीद अगर अपने घर बार को छोड़ के अपनी शहादत नहीं दे करते तो ये पाकिस्तान हमें नहीं मिलता। और दुश्मनों से हमारा खुला चैलेंज है कि दुश्मन जो चाहे कर सकते हैं, हमारा सीना हाजिर है। एक सीना चीरेंगे 10 सीने आगे आएंगे। कितने सीने चीरोगे? हर घर से सीना निकलेगा, तुम कितने सीने चीरोगे? अच्छा हमें ये बताएं, आपने एंजॉय कितना किया? एंजॉय हमने बहुत किया। हमारी आज़ादी का दिन है, हमें आज़ादी दी, हमारे जवानों ने आज़ादी दी, बाबाए कौम ने, कायद आज़म ने हमें आज़ादी दी। हमें इस आज़ादी से बहुत खुशी है। हमें हमारा एक आज़ाद पाकिस्तान मिला, नहीं तो अगर हमें ये आज़ादी नहीं मिलती हम ग़ुलाम होते, अंग्रेज़ों के, हिंदुओं के ग़ुलाम होते हम। लेकिन आज हम बहुत आज़ाद हैं और हमें इस आज़ादी पे बहुत फ़ख्र है, बहुत नाज है। इस आज़ादी के हवाले से, इस खुशी के हवाले से कोई गीत या कोई नगमा या कोई गुनगुना दीजिए। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? करीम खान। अच्छा करीम खान साहब, आप हमें ये बताएं कि आज 14 अगस्त से आपने कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया, हमें बड़ा दिन है, हमें खुशी है, आइंदा भी इस तरह मनाते जाएंगे। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम एक मुसलमान हैं, मुल्क है, हमें 14 अगस्त खुशी से, ज़्यादा से ज़्यादा खुशी से मनाना चाहिए। आज आप कितना एक्साइटेड हैं आज के दिन? आज के दिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मौलवी साहब नाम क्या है? अहमद ज़ैब नाम है, अहमद ज़ैब। अम्मा ज़ैब, अम्मा ज़ैब आप हमें ये बताएं कि आज 14 अगस्त है, हर तरफ खुशियाँ हैं, हर तरफ जोर और शोर है, बहुत लोग इंजॉय करें, आपने कितना इंजॉय किया? हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं 14 अगस्त को। हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है और ये हमारे लिए एक खुशहाली है, सबको चाहिए कि उसको इंजॉय कर दे। आपने कितना इंजॉय किया आप हमें भी तो बताएं, कहाँ कहाँ गए, क्या खाया, क्या पिया? सब कुछ कहा, कल इंशाल्लाह कायद मजार कायद पर जाएंगे, वहाँ पर 14 अगस्त इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ये हम 14 अगस्त इतना खुशी से क्यों मनाते हैं? इस वजह से मनाते हैं कि हिंदू से दुश्मनों से हमें आज़ादी मिली है, इस वजह से हम मनाते हैं। सबसे बड़ी कामयाबी हमारे लिए ये है कि हम इबादत करते हैं और कोई पाबंदी नहीं है हम पर। जी आज़ादी तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हिंदू, ईसाई, सिख, मुसलमान सब मनाते हैं? नहीं, सिर्फ मुसलमान भी मनाते हैं और जो अकलियत है अपने आप को पाकिस्तानी समझते। आज़ादी का डे तो सब मनाते हैं? सब मनाते हैं, लेकिन जो अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं सब मनाते हैं। सब पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं सब पाकिस्तानी है ना? सब पाकिस्तानी है जी। तो आप पाकिस्तानी नहीं हो? मैं भी पाकिस्तानी हूँ और 14 अगस्त को इंजॉय कर रहा हूँ। जी पाकिस्तान का नारा लगा के दिखा दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाम क्या है भाईजान? मेरा नाम है जिशान। अच्छा जीशान, हमें ये बताएं कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम जो है वो स्टॉलिंग कर रहे हैं अपने ब्रांड की और यहाँ पर टी शर्ट जो है वो कर रहे हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। अच्छा कैसा लग रहा है, लोग आ रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेस्पॉन्स है लोगों का, बहुत ज़्यादा जो है हुब्बुल वतनी का जज्बा है, स्पिरिट बहुत है, नेशनल स्पिरिट बहुत है। अच्छा आज 14 अगस्त है माशाल्लाह, तो लोगों में वो जोश और खरोश अगले साल की तरह है उतना? बिल्कुल, जो निस्बतन पिछले साल की तरह ही है, बल्कि मैं कहूँगा कि आई वुड से कि उससे ज़्यादा है बहुत ना, और बहुत ज़्यादा लोगों में फ्लैग लगाने का रुझान है, सेलिब्रेशन जो है वो नेशनल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाई जा रही है। आप कितना खुश हैं? सर मैं तो 100% खुश हूँ, 100%। इस खुशी में हमें कोई गीत, कोई नगमा, कोई ऐसी कोई चीज़ सुना दें तो? बिल्कुल बिल्कुल। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जा बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुरमत का है संगीन हिसार,
मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जान हो निशान, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तन। भाई नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। अच्छा मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इमरान यहाँ क्या करने आए? शॉपिंग करने आए, ऑफिस से आया। मैं तो देख लूँ टी शर्टें वगैरह भाई भाइयों के वगैरह अपने लिए। अच्छा जैसा कि आज 14 अगस्त है, आपको कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, मैंने इन्जॉय किया। मैंने बाइक में आया तो आज इतने रक्शे में आ गया ना, इन्जॉय करते हुए वहाँ से स्टाइल देखते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। दिल खुश हो रहा है कि अपने मुल्क को देख रहे जश्न करते हुए माशाल्लाह। आपने बहुत इन्जॉय किया या ऐसे ही बोल रहे हैं? इन्जॉय माशाल्लाह बहुत किया मैंने। अच्छा पाकिस्तान के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें 14 अगस्त के हवाले? 14 अगस्त सबको मेरी तरफ से मुबारक हो दोस्तों। कैसा लग रहा है आज का दिन? बस बहुत अच्छा दिन है आज तो, माशाल्लाह आज़ादी का दिन है, बड़ा मज़ा आया है। सारा दिन घूमे हैं फिरे हैं, दोस्तों के साथ खाना खाया, हर जगह इवेंट पे थे हैं और इंतहाई बहुत ही खूबसूरत दिन है आज, मतलब आज़ादी का दिन है हमारा और बड़ा खुशगवार दिन था आज। लेकिन वो खुशी आपके चेहरे पर नज़र तो नहीं आ रही है? नहीं नज़र है, थक गए हैं, सुबह से निकले हुए हैं, जा रहे हैं बाइक पे चला चला रहे, झंडे हर चीज़ फर करा रहे, अब थक गए। आप देते टाइम भी तो देते हैं, 8 बज रहे हैं। कितना इन्जॉय किया? अनलिमिटेड इन्जॉय कर रहे हैं, कराची का शायद कोई 3-4 हिस्से छोड़े होंगे, बाकी सब दोस्तों ने मिलते सारा कराची घूमा आज। बाइक पे थे, किस चीज़ पे आपने इन्जॉय? हम बाइक पर थे और सबसे पहले तो हम पैदल हम तो मज़ार गए थे, फिर थोड़े से झंडे वंडे हमने शॉपिंग करी, फिर इसी तरह हम सब मिलते रात में खाना खा के अभी हम घर घर जाते। कोई मैसेज देना चाहें 14 अगस्त के हवाले से, कोई मिली नगमा सुनाएं, कोई ऐसी कोई? सर मैसेज मेरा यही है कि तमाम पाकिस्तानी यकजहती हो जाएँ, एक हो जाएँ और हम सब भाई हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह हम सब एक हैं और ये हमारा आज़ादी का सबसे बड़ा दिन है और हमें ये आज़ादी का दिन इस तरह मनाना चाहिए तो दुश्मनों को पता चल जाए कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नाम क्या है भाई? अदनान। अदनान, अदनान ये कितने टाइम से आप चला रहे हैं? ये 8 साल से 9 साल से चला रहे हैं हम लोग। अच्छा कैसा लग रहा है लोगों में आज वो जोश और वो क्रोश वो नजर आया आपको? जी हाँ, सुबह से चल रहे हैं माशाल्लाह, जज्बा है लोगों के अंदर, खरीदारी है, लोग मना रहे हैं, हर चीज़ पसंद कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, स्कूल की वजह से भी लेके जा रहे हैं। 3-4 दिन हो गए माशाल्लाह से रश चल रहा है। रोड कहाँ से लोग आ रहे हैं? लोग कहीं मलीर से आ रहा है, कोई लियारी से आ रहा है, कोई लालूखेत से आ रहा है, कोई कहीं ना कहीं से आ रहा है। बोले ये चीज़ कितने की, ये कितने की, भाई सही मुनासिब लगा लो, बच्चों के लिए लेनी है। हमने बोला इतने की माल भी महंगा है पीछे से। मतलब खुशी थी लोगों में? लोगों के दिल में खुशी है तो जब भी तो ले रहे हैं। मैसेज देना चाहे 14 अगस्त के हवाले से? पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें ये बताएं कि आज 14 अगस्त है, आपने कितना एंजॉय किया? आज 14 अगस्त से तो हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसी चीज़ें जैसे बच्चे ले रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पहले इतना पहले साल से ज़्यादा मतलब खुशी है या पहले ज़्यादा? नहीं अब पिछले साल से ज़्यादा अब अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आज का दिन, लोगों में वो जोश वो खरोश नज़र आ रहा है? हमें तो बहुत खुशी हो रही है। क्या क्या खाया आज के दिन? आज के दिन अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं खाया लेकिन अभी का है शायद कुछ खाएँ। 14 अगस्त के हवाले से हमें कोई मैसेज देना चाहें, कोई मिली नगमा सुनाएं, कोई भी बात कह दें? मैं 14 अगस्त के हवाले से यही कहना चाहूँगी कि बी पाकिस्तानी, बी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। जैसा कि आज 14 अगस्त है तो आपको क्या लग रहा है कि वो लोगों में वो जोश और खरोश वो नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है और आगे और नज़र आएगा जैसे जैसे रात गुजरती जाएगी। सारे लोग इंजॉयमेंट के लिए निकल रहे हैं, हम भी निकलेंगे थोड़ी देर में, इसी लिहाज से शॉपिंग्स वगैरह हो रही हैं, बैचेस वगैरह ले रहे हैं। हर साल ही होती है खुशी लोगों में, हर साल ही जोश और खरोश होता है, इस साल ज़्यादा है कि क्यों मनाते हैं खुशी?
क्योंकि इस दिन 14 अगस्त है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो आज़ादी का दिन है इस वजह से। अच्छा माँ आपने एंजॉय किया? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग नहीं रहा है कि आपने एंजॉय किया। नहीं नहीं क्यों नहीं, बहुत एंजॉय किया। अच्छा, आपने क्या क्या खाया है आज वो तो मुझे बताएं। खाना खाया जो फ्रेंड्स भी आई थी आपकी कोई? हाँ मेरे पड़ोस में आई, वो भी बच्चों की तैयारी कर रही हैं, अभी बाहर निकली हैं सब बच्चों की शॉपिंग करने। लोग भी यहाँ पे बहुत खुश नजर आ रहे हैं, आपको भी खुशी है? बिल्कुल जाहिर है। हर साल खुशी मनाती हैं? हाँ बिल्कुल। आज आपने क्या क्या खरीदारी की है? मैं बच्चों अपनी बेटी के लिए शर्ट्स वगैरह लेने आई, बेटे के लिए शर्ट लेने आई हूँ, और बैच वगैरह हैं, हैट्स है, बाजे वाजे ये सब लेने आई हूँ। कोई मैसेज देना चाहें? मैं मैसेज यही कि भाई पाकिस्तान आज़ाद हुआ 14 अगस्त 1947 को, तो हम ये हर साल हर खुशी मनाते हैं, और हमें मिलकर इत्तेहाद से रहना चाहिए, दस मज़हब का इंतजाम करना चाहिए। नाम क्या है भाई? सुहेल खान। यार बड़े सज धज के खड़े हो यार। बस आपकी मेहरबानी है जो आप। कितना प्यार करते हो पाकिस्तान से? जान दे सकता हूँ। सच्ची बताओ यार। अल्हम्दुलिल्लाह जान दे सकता हूँ। अच्छा आज 14 अगस्त हम क्यों मनाते हैं? हमारी आज़ादी का दिन है, खुशी का दिन है, आज के दिन हम आज़ाद हुए थे। अच्छा तो ये काम कितने टाइम से करते हैं आप? सर तकरीबन मेरे वालिद साहब करते थे, मेरे चाचा करते थे, अब हम बड़े हुए हम लोगों ने संभाली तकरीबन 20-22 साल से। 20-22? ये कहाँ से आता है? ये लाहौर से भी आता है, कराची में भी बनता है, और कस्टमर तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। लोग कहाँ से आते हैं? लोग सर पूरे कराची से आते हैं, और कल मेरे पास पिशावर के भी आए थे, कोयटा के भी आए थे, तकरीबन लोग आते लेने के लिए। लोग किस किस चीज़ की फरमाइश करते हैं? सर ज़्यादा बेबी सूट और टी शर्ट, बैजेस वगैरह, परचम, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो पिछले साल थी 14 अगस्त को, लेकिन इस साल जो 14 अगस्त में जो नज़र आना चाहिए था वो नज़र नहीं आया। क्या वजह? वजह यही कि महंगाई, कस्टमर नहीं है, ऐसे फारिग खड़े हुए, लेकिन वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी जो पिछले साल में थी। अच्छा 14 अगस्त के हवाले से हमें कोई मैसेज देना चाहें, कोई नगमा सुनाएं, कोई भी चीज़ सुना दे। नगमा तो नहीं सुना सकता मैं। तो मुझे पता है आपकी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं होगी। नहीं आवाज़ अल्लाह का शुक्र है आवाज़ अच्छी है, लेकिन इस वक्त जो है ना आवाज़ साथ नहीं दे रही। साईं नालो शायद अब्दुल्ला खोकर। अब्दुल्ला खोकर साहब माशाल्लाह कितना गाया सर? नहीं दादू। माशाल्लाह दादू गाया हो कराची में जी? इतने रहंदा हो या ये घूमना है? इतने रहंदा आयो। कितने टाइम? 40 साल। छो भला दादू में मजो ना हो छा? नहीं मजो दादू में आए, पर इतने वदी मजो आ हे बस सिंध साजे कंजी आ सजा सिंध बिल्कुल ही कराची दादू सब असा वाकी। अच्छा असा के यो बता दा जो 14 अगस्त आ तमा केतरो एंजॉय किया? असा हद का वदी एंजॉय कवा। जैसा कि आज 14 अगस्त है तो हर लोगों के लबों पे बहुत खुशी हुए, आपने कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया है। 14 अगस्त ऑब्वियसली पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं, अपनी एक इंडिपेंडेंट हमें मुल्क मिला उसके लिए मनाते हैं। कोई मैसेज देना चाहें? बस खुश रहें और अपनी कंट्री के लिए जितना काम कर सकते हैं वो करें। जैसा कि आज 14 अगस्त है तो आप क्या समझ रहे हैं, वो खुशी है? जी बहुत खुशी है, जैसे कि आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो हम लोग इसकी बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। तो पहले से ज़्यादा या पहले से कम है? पहले से ज़्यादा। कितना एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया, स्कूल में फंक्शन हो रहे हैं, सोसाइटी में फंक्शन हो रहे हैं, बहुत एंजॉय किया। आपने पार्टिसिपेट किया? जी। क्या क्या कौन से टेबलो आपने पार्टिसिपेट किया? मैंने सिंगिंग की थी। सिंगिंग की थी, माशाल्लाह किसका सॉन्ग सुना है? नुसरत फतेह अली खान का। भाई नाम क्या है? मैं इबादुर रहमान।
इबादुर रहमान। इबादुर रहमान, आप हमें ये बताएं कि आज का दिन आपने कैसा एंजॉय किया? आज का दिन हमने बहुत एंजॉय किया। हम यहाँ पर आए पाकिस्तान की शर्ट्स देखने के लिए। हम लोग ये याद करने के लिए कि हमारा जो पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 में जो कुर्बानियाँ दी थी हमारे बुजुर्गों ने, तो उसके लिए हम लोग ये दिखाते हैं कि हम लोग इस पे करेंगे 14 अगस्त में। आपका नाम? अजीज अहमद। अच्छा, अजीज अहमद कमकार करो? कमकार कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, स्टूडेंट आयो यार। वाडो एंजॉय पियो करें, के पियो करें 14 अगस्त केतरो एंजॉय कयो? पाकिस्तान असांजो पंहिंजो आज़ादु थियो आहे, वॾनि कुर्बानी ॾेई करे असांखे ॾिनो आहे इहो। इन ख़ुशीअ में असांखे कुझु ॿुधायो भला? जेको पुछो तव्हां, को गीत ॿुधायो, को नगमो ॿुधायो, को दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। जी नादिन, जीअं त तव्हां ॾिठो त असां कराची शहर में मौजूदु हुआसीं। 14 अगस्त जो ॾियारो हर माण्हू जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाए रहियो, हर चहिरे ते हिकु मुस्कुराहट हुई, हर माण्हू ख़ुशीअ में बकी रहियो। पराल नादिन, हुन जो प्रोग्राम तव्हांखे कीअं लॻो? उमेदु थी कजे तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। असांखे ॾींदा इजाज़त, अलाह।